फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय सर में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत 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 ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, कई बार हमें ऐसे सेंटेंस बोलना पड़ता है जैसे तुम्हारा भाई एक नंबर का चतुर है, वह एक नंबर का लालची इंसान है, तुम एक नंबर के गधे हो, मेरे पिता एक नंबर के टीचर हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, तो आज की वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक फ्रेज लिखना है ऑफ द फर्स्ट, ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज एम आर यूज करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अनुसार कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाकर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह तुम्हारा भाई एक नंबर का चतुर है, तुम्हारा भाई एक नंबर का चतुर है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट तुम्हारा भाई है, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर। हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज एम आर तीनों में से कोई भी यूज करेंगे। तो योर ब्रदर सिंगुलर नंबर का है तो इस पे हम इज लगाएंगे, तो योर ब्रदर इज। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब चतुर, चतुर है तो चतुर की इंग्लिश होती है क्लेवर, क्लेवर, योर ब्रदर इज क्लेवर। अब लिखना है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए, तुम्हारा भाई एक नंबर का चतुर है तो बनेगा योर ब्रदर इज क्लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, योर ब्रदर इज क्लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बोल पा रहे। देखिए, तुम्हारा भाई एक नंबर का चतुर है तो योर ब्रदर इज क्लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा देखते हैं, वह एक नंबर का लालची इंसान है तो बनेगा ही, एक साथ इज को इज का यूज होता है, ही इज लालची इंसान है तो ग्रीडी मैन, ग्रीडी, ही इज ए ग्रीडी मैन। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, वह एक नंबर का लालची इंसान है तो बनेगा ही इज ए ग्रीडी मैन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ही इज ए ग्रीडी मैन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह तीसरा देखते हैं, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम एक नंबर के गधे हो, यू, यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं तो यू आर, यू आर, गधे की इंग्लिश क्या होती है डंकी, यू आर अ डंकी, यू आर अ डंकी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, तुम एक नंबर के गधे हो, यू आर अ डंकी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यू आर अ डंकी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसे लास्ट वाला देखते हैं, मेरे पिता एक नंबर के टीचर हैं, मेरे पिता एक नंबर के टीचर हैं, तो क्या बनेगा, माय फादर यूज सिंगुलर नंबर है, इज आवर टीचर, इज अ टीचर। अब लिखेंगे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, मेरे पिता एक नंबर के टीचर हैं, माय फादर इज अ टीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, माय फादर इज अ टीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इस प्रकार के वाक्यों को बोल करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य को मैंने सारा टेंस प्रेजेंट में लिया है, तो आप लोग प्रेजेंट के घर पे पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से सुधार सकते हैं।